आओ अपने प्रार्थना को। Praise the Lord, thank you Jesus, glory Master, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, glory, 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 glory. Riba shandaba khuraba nikandaba shekenmo rikandaba. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परिनेकवार तमारो में स्वागत करिए छे प्रभु आ खुला आकाश तले पवित्र पिता तमारो आत्मा जगह में चलेवान थे रियो छे प्रभु में विश्वास करिए छे तमे आकाश ने खुल्लू करियो छे प्रभु अत्यारे अमारा वच मा तारा अभिषेक दास ने तू ले आयो छे तेरे हे प्रभु एमना मुख मा जे वचन तुम्हें मुखिया छे पिता ए वचन नो भेद न मर्म नो खुलासा करवार माटे हे पवित्र आत्मा ना अभिषेक एमना जीव ने होठ रो अड़की ले तेमना मुख मा थी निकलता शब्दो तेमनो ने पण तमारा बने ए वचनो द्वारा कई बंधनो टूटे वचनों द्वारा अंधकार की शक्ति हटे माटे प्रभु तू कृपा प्रिपाड़ दरदास ने थनारी वचन की सेवा ने आखा ग्राउंड ने फरते ईसु प्रभु ना सामर्थ्य लोहीनी सुरक्षा मांगी ले छे अने तमारो आत्मा जगह अंदर हालतो ने चालतो थाय ईसु प्रभु ना नाम मांगे छे आमीन। थैंक यू आवर साहेब सारू શું વચન સાંભળવા માટે તૈયાર છો? તો સારું આપણે આગળનો સમય દાસના હાથમાં સોંપી દઈશું. એ સાહેબ વચન લઈને ઉઠશે ત્યારે આપણે જોરદાર એમને ફરી તાળીઓ દ્વારા વેલકમ કરીએ, આવકાર કરીએ. પ્રેઇઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah. 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 बोली प्रभु यीशु महाराज की जय। प्रेम से बोली परम पिता परमेश्वर की जय। Hallelujah. 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 बोली प्रभु यीशु महाराज की जय। परम पिता की जय। बोली पावन आत्मा की जय। जय जय जय। हार्दिक निमंत्रण आत्मिक शांति सम्मेलन मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े आनंद का विषय, ये योजना मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, ये योजना प्रभु ने बनाई है। आप मुझे यहां लेके नहीं आए, प्रभु लेके आए। हालेलुया। इन दिनों प्रभु एक एक हृदय से बात करेंगे। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हार्ट गॉड इज गोइंग टू स्पीक। एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा और कोई भी व्यक्ति इस ग्राउंड से खाली नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वायदा है। Each one of you will go blessed. None of you will go empty-handed. You are here to receive the blessing. आप बुलाए गए हैं कि आप आशीषित हो, समृद्ध हो, इस दुनियावी दौलत से भी और आसमानी दौलत से भी माला माल हो। हालेलुया, हालेलुया। बोली प्रवेश महाराज की, परम पिता की जय। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह
किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम्, वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु मैं संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है हृदय परिवर्तन। ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है उसमें बहुत ज्यादा, अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रहे मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप अश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपई के टाइप की थी, तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं, ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कोई कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं कल मिट जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परम पिता की। तीन चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है।
मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा, देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाए, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई हैं, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई हैं। समय सबको दिया गया है, और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे हाथ उठाएंगे? उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है, शरीर भी और आत्मा मन भी यहां लगाए रखना, यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, तीन बातें, थ्री थिंग्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात, प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी, बट आई हैव चोजन यू। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है, तुम संसार में जाओ, फलवंत हो, और तुम्हारा फल स्थाई रहे। पहली बात। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, जब तक पिता ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me. कोई नहीं आ सकता। ये आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म, इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता ना भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर, प्रभु का वचन कहता है, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। अनलेस अंटिल गिवन फ्रॉम अबव नो वन रिसीव। जब तक ऊपर से न दिया जाए, किसकी किसकी सांसें चल रही देखिए, अरे चल रही है तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो गत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है, चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको, ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यू हैव रिसीव्ड द लाइफ, आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में दो चोर चोरी कर रहे थे, और जब वो चोरी कर रहे थे उस घर के, जब वो चुरा रहे थे, कुछ कुछ चोरी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालकिन, पति पत्नी, लड़ते झगड़ते चले आ रहे। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाए, छुपो। तो छुपने की जगह ढूंढने लगे, एक पलंग के नीचे घुस गया, एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और उसी कमरे में पति पत्नी घुस के आए और लड़ने लगे। पति और पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी कहती क्या करते रहते हो, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भाग्यवान, तू बिल्कुल चिंता न थी, चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत को गुस्सा आता है, बोलती क्या तमा समझ आ रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दी हूं, पैसा दे मेरे को। पति बोलता है अरे भगवान चिंता, गुजराती में क्या बोलते,
चिंता ना कर, सब ऊपर वाला देगा। और उसको गुस्सा आता है, वो कहती है क्या करते रहते हो, राशन वाले का नहीं दी हूं, पेपर वाले का नहीं दी हूं, ये नहीं वो नहीं, मुझे पैसा दो। पति जोर से चिल्लाता है तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। तो जो ऊपर चोर छिपा रहता है वो नीचे कूदता है, वो कहता मैं तुम्हारे घर का ठेका ले रखा हूं क्या, सब मैं ही मैं दूंगा, और ये जो नीचे घुसा है ये कब देगा। ये मजाक है लेकिन ये सच्चाई है, हमको सब कुछ उसी ने दिया है। हालेलुया, 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 दिया है। देंदा दे लेंदा थक पाहे, जुगा जुगंतर खागी खाहे। नानक जी कहते हैं देने वाला देते देते नहीं थकता, और लेने वाला खा खा के फेंकते फेंकते थक गया है। देंदा दे लेंदा थक पाहे, सूरज क्या देता है, रोशनी। चांद क्या देता है, चांदनी। बादल क्या देता है, छाया, बारिश। धरती क्या देती है, उपज। पेड़ पौधे हवा दे रहे हैं, पूरी प्रकृति देने का काम कर रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। क्योंकि इसके पीछे जो सृजनहार है अदृश्य, उसका स्वभाव है देना, इसलिए उसकी प्रकृति देना जानती है, दे रहा है। आपको पता है प्यार का अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय लव। अपना दाहिना हाथ आगे करें, दाहिना हाथ ऐसे नहीं करना, मुट्ठी बांध के आगे करना, आगे की बोलिए। प्रेम का मतलब है, सब लोग बोलेंगे प्रेम का मतलब है, प्रेम का मतलब है देना, देना। छोड़ो ना, तुम्हारा प्यार भी इसी टाइप का है, बोले देना देना लेकिन दे नहीं रहे हैं। प्यार का मतलब है देना। यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें श्लोक में प्रेम की सबसे बड़ी विराट परिभाषा लिखी है, यतः ईश्वरो जगतीतम प्रेम चकार, यन्नीज मेक जातम पुत्रम ददौ, तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्याना विनश्या अनंतम जीवनम लप्स्यते। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाथ नीचे करेंगे, प्यार किया और दे दिया, प्यार किया और प्यार का मतलब ही है देना। आपको पता है इस संसार में जितने भी धर्म है, जितने भी बाबा आबा गुरु गुरु जितने आपको मिलेंगे, सबके अंदर आप एक चीज पाएंगे, सारी चीजों में लेना ही लेना है, लेने वाला। मैं ट्रेन में जा रहा था, सत्य घटना, मेरे साथ अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती, अद्भुत घटना। मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे को बड़े ध्यान से लोग देते, बाबा आबा लोगों को बड़े ध्यान से लोग देखते हैं। आधे लोग तो मेरे को देखने आए हुए हैं कि कौन बाबा है भाई, यीशु का भक्त है, हम भी तो देखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल है कौन। अरे तुम चिंता ना करो, तुम दाढ़ी आड़ी ना बनाओ, बाल आल ना बनाओ, हमारे टाइप के हो जाओगे तुम, कोई बड़ा विषय थोड़ी है ये। तो मैं ट्रेन में जाता हूँ, लोग बड़े ध्यान से देखते। मैं ट्रेन में था, एक माता जी मेरे बड़े ध्यान से देख रही, फर्स्ट क्लास एसी में मेरे सामने बैठी हुई, बड़े ध्यान से बार बार। मैंने कहा मम्मी, माता जी क्या हो गया आपको, कोई परेशानी। बोले बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। मैं कहा क्या हो गया। बोले बाबा जी हमारे यहाँ एक गुरु जी आए थे और बोले तेरे ऊपर 9 ग्रह लगा हुआ है। अब बताओ बाबा जी, 1 ग्रह होता, 2 ग्रह होता, 3 ग्रह होता, 4 होता तो चल जाता, ये 9 ग्रह मेरे ऊपर लग गए, मैं कहाँ जाऊंगा। और जब से बाबा बोल के गए हैं मेरा तो ढाबा ही हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर 9 ग्रह लग गए हैं। एक बात याद रखना, किसी को आप कुछ बोलते जाओ पागल है पागल है, वो पागल हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा, कोई मंत्र है, कोई मंत्र नहीं। बार बार बाइबल में लिखा है मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे। क्या बात है यार, कितनी सरल सी बात है, तुमको चिताने के लिए आया है। हालेलुया, तुम्हें जगाने के लिए आया है। तुम भटक गए हो उड़ाओ पुत्र की तरह, उसका बेटा भाग गया दूर, संपत्ति इकट्ठा की भाग गया और वहां सारी संपत्ति लुटा दी और अकाल पड़ा वहां पर,
भिकमंगा हो गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं, और किसी ने उसको सुअर चराने का काम दिया, और ऐसी स्थिति कि जो फलियां सुअर खाते थे उनको खाने के लिए तरसता था। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है वो ऐसी जगह पहुंच जाता है, भिकमंगा हो जाता, कंगाल हो जाता है, और एक दिन अपने होश में आता है वो, और ये होश सबको दिया गया है, ये चेतना सबको दी गई। आपको पता है किसी का यहां नाम रमेश होगा या महेश होगा, आप अपने घर में सोते हो और जब सुबह उठते तो तुमको पता होता कि तुम रमेश ही हो, ये नहीं कि मोहल्ले वाले भैया का नाम लेने लग जाते हो, नहीं, तुम्हारे अंदर चेतना है और तुमको एक वरदान दिया गया है, तुम्हारे होने का वरदान कि तुम हो। एक जानवर को पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम्हें यह पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, यही होश है। ईश्वर ने तुमको चेतना दी है, ये चेतना किसी के पास नहीं है। चेतना मतलब तुमको तुम्हारे होने का बोध है। हालेलुया, हालेलुया। उस आदमी को ठोकर लगी, उसको होश आया, वो कहता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा, सोचता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा और उनसे कहूंगा मुझे अपने नौकर के सदस्य रख लीजिए, मेरे घर में कितने ही नौकर अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहां सूरों की खाई हुई फल्ली को खाने के लिए तरस रहा हूं। और वो सोचता है और लौटता है, यही सबसे सुंदर बात है, लौटना, लौटना। सारी मानव जाति के लिए एक ही संदेश है, आज लौटना है, रिटर्न बैक टू द फादर, पिता के पास वापस लौटना। वो लौटता है, पिता के पास वापस जाता है, और जब वो लौटता है तो एक सुंदर घटना घटती है। उसके पिता रोज इंतजार करते, कभी आएगा मेरा बेटा, कभी आएगा मेरा लाडला, और एक दिन सच में वह लौट के आता है और पिता दूर से ही उसको पहचान लेता है। अरे क्या बात है, जक्कई पेड़ में चढ़ गया, जक्कई पेड़ में चढ़ा है, हाँ। और सोचता है मैं देखूं तो जरा ये गुरुजी कौन है, सब लोग बोलते हैं अद्भुत है, सब लोग बोलते हैं बड़े चमत्कारी है, क्या बात है, हम भी देखेंगे। अरे मैं तो छोटा हूं, नाटा हूं, दुर्भागी हूं, और समाज में मेरे को बड़ी गाली पड़ती है, मैं तो बड़ा दुर्भागी हूं, लेकिन मैं भी देख सकता हूं। चेतना थोड़ी सी है, थोड़ी सी भी है, इसके लिए प्रभु ने कहा राई के दाने बराबर भी अगर है पर्याप्त है, सफिशियंट है। तुम्हारे पास क्या है, 5 रोटी, पर्याप्त है, उसको ले आओ मेरे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। हालेलुया। जक्कई अपने थोड़े के साथ आता है, चढ़ गया। अरे चढ़ने की हिम्मत रखो, कुछ करने की हिम्मत तो रखो, चढ़ गया ऊपर और चढ़ता है, ढूंढता है, देख गुरु जी वहीं पे आके खड़े होते, इतनी भीड़, इतना हुजूम, इतनी सारी काफिले के बीच में खड़े होके प्रभु कहते हैं जक्कई नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। वो तो होश उड़ गया, ये मेरा नाम जानता है, ये मेरा नाम, प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे लिख रखा है, एंड आई नो यू पर्सनली, मैं तुझे जानता हूं। कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानेगा, जिसके पास आप आए हो वो आपको जानता है, he knows you, a beautiful thing, Jakai, come down, today I am gonna go to stay with you, आज मैं तेरे साथ ठहरूंगा। यही मुक्ति है, यही उद्धार है। सृजनहार कहता है मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, मेरी आवाज सुन के कोई भी द्वार खोले मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा। मत्ती अध्याय 7:7 में प्रभु क्या कहते हैं, एक साथ मांगो तो तुम्हें और ढूंढो तो तुम और खटखटा, भाई जी सारी यात्रा मांगने से चालू होती है, हमको ना सिर दर्द रहता है, ठीक कर दो, हमारी शादी नहीं हुई एक लड़की दे दो, हमारी नौकरी नहीं लगी नौकरी दे दो, मांगने से सारे, और वहीं ना ठहरे तो अगला पड़ाव तुमको मिलता है ढूंढने वाला, और वहां से और आगे निकल गए तो खटखट।
खटखटाने, और जो खटखटाने वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे वहां वो मिलेगा जो सारी सृष्टि का सृजनहार है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। वो औरत जो है मैं से कहती, गुरु जी मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा, बहन एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर 1 ग्रह और लग जाए। बोली, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे जले पे आप भी नमक छिड़क रहे। मैंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं मेरे गुरु, मेरे प्रभु तेरे साथ एक कृपा ये कर दे कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? अनुग्रह। जोर से बोलिए, अनुग्रह। क्या लग जाए? अनुग्रह। अरे यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्त, अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्त, अनुग्रह लग जाए। और वो ग्रह जब लगता है सारे ग्रह रफू चक्कर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बाबा जी पार्टी में गए, पार्टी में गए, मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो ये दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। आमीन। प्रभु की शरण में आ गए, ऐसी सहज, और मेरे जिले का न्यायाधीश ऐसे ही साधारण बैठा हुआ। मैं भी कभी कभी चमत्कृत होता हूँ, बाहर है प्रभु ये तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी गए पार्टी में, हम भी जाते हैं पार्टी में, कभी कभी पार्टी में चले जाते। पार्टी में गए बाबा जी और एक ग्रुप बना के लोग हंस रहे हैं बाबा जी का, मजाक है। बाबा ने कहा, यार हमारा मजाक मत उड़ाओ यार, हम बाबा आदमी काहे को हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे लोग हंसे, वो माने नहीं, अचानक अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। उन्हें कहा, बाबा जी माफ कर दो, हम अंधे हो गए, आपको हमने उल्टा पुल्टा बोला, हम अंधे हो गए, हमको माफ कर दो। बाबा ने मारा फड़ाफड़, बोले लाइट चली गई है नलायकों, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, जनरेटर जलाओ, लाइट आई तुम लोग व्यवस्था करो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है, हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की, किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहा, तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। मेरे घर में एक बाबा जी आए, मैं छोटा था, मेरे घर में बाबा जी आए, बोले अलख निरंजन, मैं छोटा 7वीं कक्षा में, मेरे घर में कोई नहीं, पिताजी मेरे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, पापा ने कहा कोई भी आया करे जरूर कुछ देना है। मैं गया, बढ़िया एक लोटा में चावल भरा लेके आया, दिया, बाबा जी ले लीजिए। बाबा का भुट, 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 भुट। मैं कहा, तो फिर क्या चाहिए आप? उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, उसको ऐसे किया और उसको मोती बना दिए। मैंने कहा, अरे वाह, और कुछ दिखाओ, और क्या दिखाते? मैंने कहा, और तो कुछ दिखा। उनको आश्चर्य, इसको आश्चर्य नहीं हो, ये बोल रहा और दिखाओ। मैंने कहा, और दिखाओ। उन्होंने उसको ऐसे किया, अंगूठी बना दी। मैंने कहा, अरे बहुत अच्छा, और दिखाओ। बोला, बप दे 50 रुपए। मैंने कहा, बाबा मिट्टी से मोती बनाए, मोती से अंगूठी बनाए, तो 50 रुपया भी बना लो, जब तुम इतना ही कर लिए ये भी कर लो। ये ड्रामेबाजी है, इसमें ईश्वर नहीं बैठा, ये मूर्ख बनाने वाले व्यापार हैं, इनसे हमें बाहर आना है, ईश्वर इनमें नहीं बसता। हालेलुया, हालेलुया। जीवन को रूपांतरण करने वाली बातें अलग हैं, अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूं। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया। अंतर्यामी दिव्य कृपा तू दया कर स्वामी यीशु राजा।
तेरे यार। एक साथ दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। 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 ऊपर बजाएंगे दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। 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 अंध को तू ज्योति देता कोढ़ी को तू देता काया। अंध को तू ज्योति देता कोढ़ी को तू देता काया। देता मम्मी वाणी ईश्वराजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। ताली ऊपर बजाएं, ताली ऊपर। क्या बात है, पापियों को गले लगाया गिरेगुओं को तूने उठाया। पापियों को गले लगाया गिरेगुओं को तूने उठाया। दीदी तूने कुर्बानी कुर्बानी ईश्वराजा। दीदी तूने कुर्बानी कुर्बानी ईश्वराजा। ताली ऊपर बजाएंगे सर। एक साथ क्या बात, ऊपर ताली बजाएंगे बढ़िया। एक बराबर एक साथ प्रभु अपने भक्तों की भक्ति में विराजमान है। प्रभु अपने भक्तों की भक्ति में विराजमान है। जब हम उसकी इबादत उसकी स्तुति करते हैं वो हमारे बीच में विचरण करता है। उसने कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम से होंगे वहां मैं स्वयं विराजूंगा। प्रभु हमारे बीच में एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक माता को और बहन को प्रभु आज आशीष देने के लिए बुलाया है। हम है मूर्ख तुम मुखो ज्ञानी हम भी दया कर दोगे स्वामी। हम है मूर्ख तुम मुखो ज्ञानी हम भी दया कर दोगे स्वामी। ओ बे तेरी मेहरबानी मेहरबानी ईश्वराजा स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वराजा अंतर्यामी। जीवन ज्योति अंतर्यामी। जीवन रोटी अंतर्यामी। चरवाहा अंतर्यामी।
बलि प्रभु यीशु महाराज की जय। पावन आत्मा की जय। जीवन ज्योति की जय। जीवन रोटी की जय। शक्ति प्रदाता की जय। आनंद दाता की जय। आज के आनंद की जय। प्लीज बी सीटेड, सिट डाउन। आकार जब तुम्हें दिया, आकार स्वयं साकार हो गया। युग युग से मैं बना रहा था मूरत तुम्हारी, अलख अलेखी, आज हुई पूरी तो सकल खड़ी अपनी ही देखी। और उससे भी बड़ा अपराध कर गई ये पूजन बेला, तुम्हें चढ़ाने चला फूल तो मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया। हमारे किसी काम से ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता, जो होता है हमारे साथ होता है, जो मिलता है हमें मिलता है। प्रभु कहते हैं स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, कौन सा स्थान तुम मेरे लिए बनाओगे और क्या तुम मेरे लिए लेकर आओगे। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु को एक चीज चाहिए, आप। गॉड वांट्स यू। प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपको चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल मैं अपनी साक्षी जरूर दूंगा, आज नहीं दूंगा, कल मैं अपनी साक्षी दूंगा कि मैं कैसे मसीह में आया। Amen. और मुझे मालूम है हर जिंदगी में एक साक्षी है। yes. हर जिंदगी में एक साक्षी है, कैसे उसकी जिंदगी बदली है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी जिंदगी बदली है, मेरे साथ कुछ हुआ है। और एक चीज के साथ कोई डिबेट नहीं कर सकता, कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वो है आपका अनुभव। Amen. आपके अनुभव से कोई द्वंद नहीं कर सकता। yes. क्योंकि आप जानते हो आपके साथ क्या हुआ। और जब तक आप उधारी लेके घूमते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है। Jesus asked his disciples, what do people say about me? लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। अरे लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहें। वो तो कहेंगे ए ईसाई है, गैया खिलाते हैं, सुनो शादी करवा देते हैं। भैया शादी ही करवा रहे हैं, यहां कोई शादी नहीं हो रही, कम से कम करवा देते, पैसा बांटते हैं। ये उल्ट उल्ट पुल्ट बात, ऊट पटांग बातें। तो यीशु ने चेलों से पूछा, मेरे बारे में दुनिया क्या बोलती है। बोले गुरुजी कोई बोलता है आप साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई फलाना, कोई यिर्मयाह, कोई यशायाह, कोई नबी हो आप। तो प्रभु ठहर के कहते हैं, अच्छा ये तो ठीक है, दुनिया मेरे बारे में बोलती है, ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। What is your personal conviction about me? तुम, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा मेरे बारे में क्या बोलती है, तुम क्या सोचते। मैं गांव में गया, हमें तो अपने गुरु के जैसा बनना है भाई, हमारा गुरु पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा पूर्ण है, उसके पूर्ण में से पूर्ण घटाने पे पूर्ण ही बचता है। Amen. पूर्ण है वो, और उस पूर्ण प्रभु, उस कंप्लीट जीसस जिसको आपने पा लिया है, वो एक ही बात पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो मैं अपने गुरु के जैसा बनना चाहूंगा। तो मैं एक गांव में गया, एक औरत पानी हैंडपंप से भर रही थी। मैंने उससे पूछा, बहन क्या यीशु जी के बारे में तुम जानती हो, थोड़ा सा पानी पिला दो, क्या यीशु के बारे में जानती है। बोले हाँ। तो मैंने कहा कौन है वो, तो बोलती मेरी जान है। Amen. मेरी जान। अरे जब उसने बोला मेरी जान है, मेरी जान ही निकल गई। मेरी जान है, उधारी वाला शब्द नहीं था। अच्छा ये बताओ यीशु किसकी किसकी जान है, दिल से बता ना। उधारी वाला नहीं आए है, क्या बात है, ऐसे से हिला दीजिए हाथ।
तुम बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, प्यार मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे सारे सारी संगत को मेरा प्यार। उधारी वाला नहीं है तो जान लो कि जिंदा हो, जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरी जान है। और प्रभु कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो पतरस खड़ा होता है, कहता है आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह है। यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यीशु कहते हैं धन हो तुम शिमोन बरयोना, मानवीय बुद्धि ने तुम पर यह भेद प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में विराजमान है। दिस इज नॉट रिवील्ड अनटू यू बाय फ्लैश। एक बहुत सुंदर शब्द प्रभु ने प्रयोग किया है वहां पर, अद्भुत शब्द, कैच करना, वचन की गहराइयां हैं, वचन की गहराइयां हैं। प्रभु वहां कहते हैं ये तुम पर मांस ने प्रकट नहीं किया है। मांस मतलब शरीर, शरीर ईश्वर को कभी नहीं जान सकता, और आप इसी के अंदर रहते हो जो जान नहीं सकता। हेलो, यस, हेलो। नींद भी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए उसको सोना बोलते हैं। सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है मालूम? बिस्तर में। तब तो खाते हो, सोते हो। मैं ट्रेन में जाता रहता हूँ, एसी फर्स्ट क्लास में, सब बिल्कुल वो ऐसे लगता है मोर्चरी में चले गए, मुर्दा घर में, डब सफेद सफेद ओढ़े, अब वो गुर्रक में बात करते, नाक बज रही, किसी का पेट उठ रहा, अंदर जा रहा है, मैं कहा भर गया प्रभु, मैं कहाँ आ गया भाई। तो एसी, एसी में तो आप सो ना पाओगे, वहीं वहीं सबकी गंदगी घूमती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? अब जान गए हो तो बोलोगे बिस्तर में पाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, सोना कीमती क्यों है, लोहा क्यों नहीं है? सोना कीमती है, एक चीज उसको कीमती बनाती। आज आप लिख लेना डायरी में, केवल एक बात, केवल एक ही चीज उसको मूल्यवान बनाती है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। वो बहुत लचीला होता है। सोना एक ऐसी धातु है जो बहुत लचीली होती है, उससे साड़ी तक बन जाती है, इसीलिए वो कीमती है। और कोई रीजन नहीं है। किसी ने धीरू भाई अंबानी से पूछा कि भैया आप इतने सफल क्यों हो, कारण बताओ। तो उन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटीज इन माई पॉलिसीज, मैं फ्री में भी दे दूंगा। जियो दिया ना आपको 2 साल, फिर उसके बाद जियो मम्मी, जियो पापा, जियो मामा, जियो भैया, आप अब जी नहीं पाओगे, हमारी इसी में ही ऐसी हो गई, सबको बट चुकी। फ्लेक्सिबिलिटी इन माई पॉलिसीज, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो झुक जाए। इसीलिए प्रभु यीशु ने पहला वाक्य कहा धन्य वचन में, धन है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य चले जाओगे। हालेलुया। दीनता कंडीशन है, शर्त है। दीन नहीं हो आप उसके पास नहीं जा पाओगे। बड़े दीन होके पत्रस कहता है आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह, और प्रभु कहते हैं मांस ने तुम पर यह भेद प्रकट नहीं किया। शरीर नहीं जान सकता, शरीर ईश्वर को कभी नहीं जान सकता, याद रख लेना। लेकिन एक चीज जानता है आत्मा, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, ये जानता है उसको, ये पहचानता है उसको। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मेरा स्वर सुनती हैं, मुझे पहचानती हैं, मैं उन्हें नाम ले लेकर बुलाता हूं, और मेरी भेड़ों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये आत्मा विषय बात है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन है, शरीर का विषय नहीं है। एक बार लोग आ गए गुरु जी के पीछे, गुरु ने कहा नाशवान भोजन के लिए श्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए श्रम करो जो स्पिरिट है, आत्मा है, और मैंने उस पर सील लगाई है तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बाबा जी प्रवचन कर, रोज प्रवचन करते, आपके जैसे भीड़ बैठती, और बाबा जी एक ही बात बोलते, सत्यम ब्रूयात, सच बोलो, सच बोलना चाहिए।
और पीछे एक आदमी बैठे रोज सुने, बहुत दिन से सुनते हो गए, साल भर से, एक दिन आ गया, सब चले गए, आ गया, बोले बाबा जी क्या मैं भी सच बोल सकता हूं? तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बोलो। बोले बाबा मैं क्या मैं भी, बोले हाँ सबके लिए, बोले बाबा मैं चोर हूं, मैं चोर हूं क्या मैं भी सच बोल, बोले हाँ तू भी बोल सकता है। बोले बाबा जी ध्यान से सुनिए, मैं चोर हूं चोरी करता हूं क्या सच मेरे लिए भी है? तो बाबा ने कहा सच सबके लिए है, तू भी बोल। बोले अच्छा मैं भी बोल सकता हूं, सहज सहज। अच्छा गया सीधे राजमहल में चोरी करने, राजमहल में घुसने लगा, दरबान खड़े, बोले कहां जा रहा, कौन है तू? बोले मैं चोर हूं चोरी करने आया हूं। वो सन्न हो गए, बोले यार ये कैसा अड़बड़ टाइप का आदमी, गड़बड़ टाइप की बात कर रहा है, लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे गुस्सा कर हो रहा है, नाराज हो रहा है, उठपटांग बात। अच्छा भैया अंदर चले जाओ, अंदर चले और अंदर, वहां भी दरबान खड़े, हाँ कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मैं चोर हूँ चोरी करने आया हूँ। अच्छा ये कैसा आदमी, लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे उठपटांग टाइप की बात। अच्छा भैया अंदर जाओ, वो अंदर चला गया, रानी के कमरे में चला गया, और रानी के कमरे में जाके उसने एक बड़ा सा बोरा लिया, थैला लिया, और सारे सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब भर लिया उसने पूरा। इतने में रानी आ गई, बोली तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो? उसने कहा रानी जी काहे गुस्सा करती, मैं चोर हूं, दिख नहीं रहा आपको, मैं चोरी करके लिए जा रहा हूं। रानी सन, ये किस टाइप का, कौन है, लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे उठ पटांग टाइप की बात कर रहा, किसी खास काम से भेजे होंगे। अच्छा बेटू कर लो अपना काम, बढ़िया सिर में धारा उठाते न बने, और जाने लगा तो सामने से राजा जी आ गए, बोले कौन हो तुम, ये क्या है तुम्हारे सिर में, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे थे? बोले बाबा राजा जी मैं चोर हूं, रानी के कमरे से बढ़िया सफाई कर लिया हूं, अब सिर में लाद के लिए जा रहा हूं। तो राजा सन्न, राजा सोचे ये रानी का कोई खास आदमी है, पूछने पे उठपटांग टाइप की बात कर रहा है। अच्छा तुम नाराज ना, भैया इसकी हेल्प करो, इसको बाहर ले जाओ, छोड़ो मदद करो। वो बाहर गया बाबा जी के पास, उनके चरणों में वो पोटली रख के बोलता है बाबा जी पूरी जिंदगी झूठ बोल बोल के कुछ नहीं कमाया, आज सच बोल के राजमहल से चोरी करके ले आया हूं। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 32वें श्लोक में लिखा है सत्यश्च ज्ञास्यत सत्येन स्वाधीनी कारिष्यते च, तुम सत्य, दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, अच्छा दोनों उठा लो दादा, इतना न सोचो, सरल हो जाएगा, उसको भी पकड़ने में आसानी होगी। जमना हाथ, टेढ़ा ना डेणा ना टोणा ना मेरा, तो तुम सब उठा, तुम खुरे बोल प्रभु मैं तो दाहिना बाया उल्टा पुल्टा मन ने कछु नहीं आवे, तो तुम मेरे को ही ले ले। औरत जब रोती है, उठाए रहे ना तुम, औरत जब रोती है तो अपने मुंह में हाथ रख, आदमी जब रोता है तो अपनी आंख में हाथ रखता है। आप देखना, गौर करना, गौर करना, आज जाके लड़ाई झगड़ा करना, फिर रोना, रो के देखना, रोने में कोई बड़ा विषय नहीं, रोता तो बड़ा मस्ती से आदमी आ गया ही है रोते रोते, कहां कहां, बच्चा रोता है सुबह जो पैदा होता है उसकी शुरुआत होती, कहता है कहां आ गए दादा, हम मूड़े मूड़ दिख रहे हैं, कहां आ गए भैया, ये कौन है ये, हेलो हेलो, रोता है जिंदगी भर रोता रहता है। आपको पता है तुम हंसते हुए कभी अच्छे नहीं लगोगे लोगों को, रोते रहोगे तो लोग अपना हाथ सर में रख, अरे मत रोया, हंसोगे तो उनको गुस्सा, काहे हंस रहा है, हंसता हुआ कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोने से तुम्हारी गहरी आइडेंटिटी छुपी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे निकट आ सकता है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर विराजमान है और दर्द से तुम्हारी गहरी पहचान है। औरत जब रोती है तो अपने मुंह में हाथ रखती है, और आदमी जब रोता है तो अपनी आंखों पे हाथ रखता है। आपको पता है गुनहगार अपने गुनाह का खुद ही परिचय देता है। आपको पता है औरत के सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जुबान से होते हैं, और आदमी के सबसे ज्यादा गुनाह उनकी आंखों से होते हैं। मेरा एक दोस्त था, तो दुख की वसीहत हो या गुनाह की,
या गुनाह के? गुनाहगार अपना परिचय खुद देता है, आप ही के सिग्नेचर हैं उसमें, किसी और के सिग्नेचर नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। जज साहब मेरे से बोलते हैं, गुरुजी हम लोग अपराध की सजा देते, पाप की सजा नहीं देते। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, बोले मैं जानता हूं कि क्रूस पर क्या हुआ है, क्योंकि धारा लगती है, धाराएं लगती हैं, आईपीसी की धारा लगती है, उस धारा के तहत उसका जुर्म तय किया जाता है, उसका फाइन तय किया जाता है, उसके लिए वो मूल्य चुकाना पड़ता है उसको। और मैं जानता हूं यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, मैं ही जान सकता हूं वो न्यायाधीश को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परम पिता की। अपना दाहिना हाथ अब ऊंचा कर लीजिए। रोने लग गए, बोलेंगे तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, एक साथ तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। टाइम समाप्त हो रहा है, समय घड़ी को भी रोक दो, समय नहीं रुकेगा, किसी के रोके नहीं रुकता वो। एक चीज याद रखना, आपकी नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, ईश्वर पिता आपको आपकी नियत से जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को टाइम दिया गया था 10:30 के बाद माइक यूज नहीं होता है, ऐसा है हाँ। तो मैं बिल्कुल टाइम पे, मैं चाहता हूँ कल हम और हैं, बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सी गहरी बातें मैं चाहूँगा आप जाने और आप पे नाजिल हो। वो जो पीछे जो खड़ा पंडाल जो खाली पड़ा है वो भर जाना चाहिए, तो आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको एक वायदा करता हूँ, अभी तक मुझे 23 साल हो गए मेरे उस्ताद मेरे गुरुदेव की शरण में आए हुए, और मैंने एक से एक चमत्कार देखे, और हर पल हर क्षण मेरे लिए एक से एक अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते, मैं बड़ा आनंदित होता हूँ, प्रफुल्लित होता हूँ। और आज ये जो कोविड के बाद बड़ा सत्संग मैं देखने पा रहा हूँ, कोविड के पहले मैंने किया था सत्संग बड़ा, तो आज मैं वही बात आपसे कहूंगा कि आप खाली नहीं जाओ, बिल्कुल खाली नहीं जाओगे, और आप साक्षियां दोगे यहाँ पे खड़े होके कि हम ठीक हो गए, हमारे काम बन गए। तो ये कन्वेंशन, ये समागम, ये सत्संग आपकी जिंदगियों को आशीषित करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई आशीषों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठे, आर यू हैप्पी? यस। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मजा नहीं आता भाई, उधारी टाइप का बोलते हो, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। ये तुम लोग बहुत पावरफुल हो। अच्छा एक काम करते हैं, अब केवल माता जी लोग बोलेंगे, तुम लोग पति अगर इनके हो गए तो हेल्प ना करने लग जाना, मजा नहीं आता ऐसा। ठीक है, ठीक है, तुम लोग नहीं बोलना, पुरुष नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 ठीक, क्या बात है। अब पुरुष बोलेंगे 1, 2, 3 अरे भैया यहां तो पुरुष जीत गए दादा, ये बड़े पावरफुल हैं। अच्छा अब एक साथ बोलेंगे, ठीक है, लंबा जाएंगे ना, रोकना नहीं,
सब लोग एक साथ, बच्चे भी। वन। अरे धीरज तो धरो, धीरज तो नहीं है। वन टू थ्री। अरे हाले इधर हो गए, लुइया यहां चला गया। ऐसे बांटोगे तो कहां से जाएगा काम बनेगा। मेरे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने बच्चे गोद लिए हैं, मेरे पास 200 बच्चे हैं। और पुरानी बात है, सन 2007 में हमारे आश्रम के बच्चों को कुछ भी दे दो आप, बच्चे उसको बड़ा वो कर देते, सुंदर कर देते। यही बच्चों की कलाकारी है, इसलिए यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनका है, सरल लोगों का है। आपको पता है, और सरल होना बड़ा कठिन है, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लिकेटेड बड़ा हम कठिन है मेरे आश्रम के। अच्छा बच्चों को आप, हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, चॉकलेट खा, हम चॉकलेट खा के वो रैपर फेंक दे, बच्चे उसको पकड़ लेते हैं, बजाते हैं उसको खींच खींच के। उनको पास कला है क्योंकि उनके पास सरलता है, और सरलता पर ही ईश्वर विराजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आश्रम के बच्चे वो चिल्लाते, उनको उनको सिखा दिया मैंने, बोला हालेलुया बोला करो, तो बच्चे हालेलुया 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 ऐसे अपना चिल्ला, वो कुछ का कुछ सुनाई देता है हालेलुया वो उनके मुंह से। तो हमारे आश्रम में एक सेठ है, हमारे शहडोल के सेठ साहब, उनकी पत्नी आई, उनको 6 महीने से माइग्रेन की समस्या थी, ठीक ही नहीं होता था वो, भारी माइग्रेन उनको। वो आश्रम में आई और बच्चे सब वो मंदिर में हमारे प्रार्थना भाव में चिल्ला रहे हालेलुया 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 हालेलुया। वो आई बैठी और उसका सिर दर्द ठीक हो गया तुरंत, वो 6 महीने से परेशान, उसका सिर दर्द ठीक हो गया। वो तो हैरान, ये कैसे हो गया, किसी ने उसको बताया था वहां प्रार्थना होती है, ठीक हो गई। दूसरे दिन फिर आई, बच्चे स्कूल में, वहां स्थान मंदिर में कोई नहीं, वो घुटने टेक के बोलती ले लिया ले लिया ले लिया। मैंने आश्रम के मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा कौन चिल्ला रहा है रे, कौन क्या ले लिया। बोले गुरुदेव पता नहीं कोई वो लंदन सेठ की पत्नी आई है, बहुत देर से चिल्ला रही है ले लिया, मैं भी परेशान हूं कि इसका क्या कौन ले लिया है, ले लिया ले। मैं गया मंदिर में, मैंने कहा हाँ माता जी क्या हो गया, वो मेरे को देख के शक पका गई, बोले गुरु जी। मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे, क्या हो गया, कौन क्या ले लिया। बोले आप ही के बच्चे कल चिल्ला रहे थे ले लिया ले लिया ले लिया। मैंने कहा ले लिया नहीं है, वो हालेलुया है। और उसको मैं पढ़ा अढ़ा के अपने कमरे में जाने लगा, प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे कहा नित्यानंद क्या मैंने तेरा पाप नहीं ले लिया, क्या मैंने तेरा अपराध नहीं ले लिया, क्या मैंने तेरी पीड़ा नहीं ले ली, क्या मैंने तेरे गुनाह नहीं ले लिए, ले लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ले लिया। उड़ाओ पुत्र जब लौटता है, उस गंदे महकते सड़े गले, उसको प्रभु ने अपने गले में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया। यही है सत्संग का पर्पस। तुम कितने भी गंदे हो, एक बात याद रख, एक बात याद रख, यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार में धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आई हैव कम टू सेव द सिनर्स। धर्मी आदमी को, स्वस्थ आदमी को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बीमार को पड़ती है। मैं तुमको जो पापी हो मुक्ति देने के लिए आया हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कितना भी पाप हो जाए, बेटा और बेटी, भैया माता बहनों, कोई भी जघन्य पाप हो जाए, इस संसार में कितनी भी गलती आपसे हो जाए, उसकी क्षमा इस ब्रह्मांड में कहीं है नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह के पास है। आमीन। उसे एक ही चीज बोलता, आ जा मेरे बेटे, आ जा, मैं तेरे को माफ करूंगा ना, मैं हूं ना, काहे को टेंशन लेते हो। आमीन। तो आप कहीं और मत भागने लग जाना। आपको पता है यहूदा जो है वो अगर थोड़ा सा रुक जाता, धीरज नहीं था उसको, थोड़ा सा रुक जाता, वो प्रभु तो दूसरे दिन जी उठे थे,
जी उठे, थोड़ा सा नहीं रुक पाया, उसको भी माफ कर देते। और उन्होंने उसके लिए भी क्रूस से प्रार्थना की थी, ए प्रभु इसको माफ कर देना, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। प्रभु आपके लिए तत्पर है, तत्पर है, अवेलेबल है। तो आज की एक सबसे सुंदर इंपॉर्टेंट बात आप लिख लेना डायरी में कि प्रभु यीशु मेरे घने से घने पापों को भी माफ करने के लिए आया। तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। यही यही मसीह का रास्ता है, यही यीशु का रास्ता है। आइए हम सब खड़े हो जाएं, बड़े प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे को छुए बिना, एकदम शांत एकदम मौन। प्रभु कहते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, शांत हो और जान लो कि मैं प्रभु हूं। शांति में विराजमान है, चीखने में चिल्लाने में नहीं, एकदम शांति से रिसीव करेंगे। हमारा टाइम समाप्त होता है, कल हम जल्दी आएंगे और मेरे पास दो दिन और हैं। मैं आपको देने आया हूं, मुझे आपका पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए प्रियो। हमारा मसीह समृद्ध है, हम आपको देने आए हैं। केवल हमारा भाव है आपको कुछ देना। दोनों हाथ ऊंचा करेंगे, इस भजन के साथ ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। धीरे से प्यार से स्लोली मोहब्बत से बहुत धीरे से आता है हमारा प्रेमी, वो हमारा साजन है। करुणा का सागर है, दया का सागर, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी ऊंच नीच नहीं, काला गोरा छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके लिए है, सबका हमारा अपना। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर गे। सब लोग आएंगे, आज यीशु मसीह छूता है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर गे, तो करुणा का सागर है। सभी लोग आएंगे, मिलेगा आपको, खाली नहीं जाओगे, खाली नहीं जाएगा कोई भी। झोलियां भरने आए उस्ताद, हमारे गुरुदेव झोलियां भरने आए, झोलियां, पांच रोटी से 5,000 ने खाया, पानी को दाखरस बनाने वाला उस्ताद है। 4 दिन का मुर्दा लाजर, कोई आशा कोई उम्मीद नहीं, और वहां उम्मीद जगाने वाला है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, तू करुणा का सागर है। आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, एक साथ सुनना चाहता हूं, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। पापी गो में प्रभु मुक्ति दे दे, पाप किया है, व्यभिचार, हत्या, धोखा धड़ी, कोई भी गुनाह हुआ है,
माफ करने के लिए खड़ा है। दोबारा नहीं पूछेगा तुमने वो गलती की थी, दोबारा रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं अब दोबारा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी प्रभु, आज मैं तेरी शरणागत हूं मेरे गुरुदेव। इस भाव परिवर्तन का अवसर दे रहा है, फिर से आएगा, ये सच है। दोबारा आएगा, यह काट सकते है, दुनिया भी देखेगी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, यीशु मसीह प्रभु है। पापी हो मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हो मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धो कर शुद्ध कर दे, पापों को धो कर शुद्ध कर दे, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है, तू करुणा का सागर है। कोई ऐसा हो जो किसी से बताया नहीं जा सकता, प्रभु मैं रोगी हूं, मैं उस महिला की तरह हूं जो बोल नहीं सकती कि बीमारी क्या हो गई है, मैं उसके वस्त्र का सिरा ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं किससे क्या बताऊं मेरी व्यथा, मैं किससे कहूं प्रभु। आज इस पंक्ति के साथ मेरे साथ ये अवसर है, टाइम अवसर प्रभु ने दिया। रोगी हूं मैं प्रभु, दुर्बल हूं मैं, पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है गुरुदेव, करुणा का सागर मेरे गुरुदेव। थॉमस कहता है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड, मैंने के जिंदा स्वरूप को देख लिया है प्रभु, मेरे कोई प्रश्न नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती प्रभु, मुझे मेरे अपने समझ में नहीं आते, मैं खुद भी अपने स्वभाव को जान नहीं पाता हूं प्रभु, मैं जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं प्रभु, मेरे अंदर कोई और व्यवस्था है, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। अंधा हूं मैं प्रभु आंखें मुझे दे, अंधा हूं मैं प्रभु आंखें मुझे दे, मेरी आंखें खोलिए, ओपन माय आईज माय लॉर्ड, ओपन माय आईज। यस फादर, आप में से बहुत से लोगों को प्रभु छू रहे हैं, गॉड इज टचिंग यू, गॉड इज हीलिंग यू, गॉड इज ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, प्रभु आपके जीवन को रूपांतरित करते हैं। अगर ये बोलने की ताकत है कि प्रभु मैं अंधा हूं, मेरे मन की आंखें खोल दे, yes.
मैं जानना चाहता हूं प्रभु, मेरी कमियों में, मेरी दुर्बलताओं में प्रभु मुझ नाचीज पर रहम फरमाओ मेरे उस्ताद। अंधाओं में प्रभु आंखें मुझे दे, अंधाओं में प्रभु आंखें मुझे दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, अंतरी अंतरी ज्योति जला दे मेरे प्रभु, अंतरी ज्योति जला दे मेरे प्रभु, एक साथ मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है, तो करुणा का सागर है, एक साथ मुझ पर दया ऊपर ताली बजाएंगे एक साथ, आराम से आराम से। मुझ पर दया तेरी प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है, तो करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर करुणा का सागर है, तो एक सागर का सागर है, तो मुझ पर दया कर यीशु मेरे, तो करुणा का सागर है, तो करुणा का सागर है यीशु जी, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है राजा जी, करुणा का सागर है स्वामी जी, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है तो करुणा का सागर है, करुणा का सागर है यीशु जी, करुणा का सागर है राजा जी, करुणा का सागर है स्वामी जी, करुणा का सागर, परम पिता की जय, आत्मा की जय, जय जय, जोर से ताली हमारे गुरु जी के लिए। जब तुम वीणा के तार कसो ये गायक मन गंधर्व बने, जब तुम वीणा के तार कसो ये गायक मन गंधर्व बने, और तुम ही अगर संग संग बसो, और अगर तुम ही संग संग बसो, हर पल जीवन का पर्व बने, हर पल जीवन का पर्व बने। ये फेस्टिवल है जहां हमारी जिंदगी के तारों को वो ट्यून करता है। आनंदित होइए, मगन होइए, जोर से पड़ताली हमारे गुरु यीशु महाराज हो गई। ब्लेस यू, एवरी ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ब्लेस्ड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Be
ऐसी चाहिए। थैंक यू।